हेलो बुटी पर मैं संजीव बराज की इस वीडियो में बात करूं फ्लिपकार्ट यूपीआई के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप में अपना यूपीआई सिस्टम लॉन्च कर दिया है और इस लॉन्च ऑफर में बहुत सारे मतलब आपको ऑफर वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसमें अगर आप फ्लिपकार्ट यूपीआई सेटअप करते हैं तो आप 50 रुपए तक का कैशबैक ले सकते हैं और उसके साथ ही साथ आप इसमें फ्री में रिचार्ज भी कर सकते हैं, बेसिकली सुपर कॉइन्स वगैरह यूज कर सकते हैं। और कैसे इस यूपीआई को सेटअप करना अगर आप सब जानना चाहते तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो ज्यादा टाइम पेस्ट ना करते हैं टॉपिक पर, जानते हैं कैसे इस यूपीआई सिस्टम को सेटअप करना और कैसे मतलब जो भी इसमें ऑफर्स वगैरह उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर, तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुलकर आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऊपर कुछ ऐड वगैरह देखने को मिल रहा है। अब इन्हीं ऐड में आपको यूपीआई वाला ऐड भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड देखने को मिल जाएगा यूपीआई वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपीआई वाला ऐड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये ऐड नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको सिंपली यहाँ पर स्कैन एंड पे देख रहे हैं, इस पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट यूपीआई वाले ऑप्शन पर आ सकते हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर माई यूपीआई है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहां से आ सकते हैं, वरना अगर आपको ऐड दिख रहा है तो आप सिंपली ऐड पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आ सकते हैं जहां पर आपको यूपीआई का जो पेमेंट है उसे सेटअप करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है गेट 10 सुपर कॉइन फॉर लिंकिंग योर बैंक अकाउंट। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिलती है, अप टू 50 रुपीज़ ऑफ विद सुपर कॉइन्स ऑन बिल रिचार्ज वगैरह देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप नीचे तो यहाँ पर आपको एक ऐड बैंक अकाउंट और एक यहाँ पर ऐड रुपये क्रेडिट कार्ड, दो ऑप्शन मिलते हैं जहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं, नहीं तो आप रुपये क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं अपने यूपीआई में और वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के। ठीक है, तो अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह लिंक करना चाहते हो तो अगर आपके पास रुपए का क्रेडिट कार्ड है तो आप लिंक कीजिए और बिना किसी ट्रांजैक्शन फीस के आप क्रेडिट कार्ड से भी मतलब पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख लीजिए जो भी आपको बेस्ट लगे उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इतने सारे बैंक आ जाएंगे। तो सिंपली आप किस बैंक को लिंक करना है यहाँ पर आपको सर्च करना, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक करके फेडरल सर्च करते हैं। फेडरल बैंक आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। फेडरल बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, यहाँ पे सब चीज़ें कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका किस सिम में आपका नंबर डाला हुआ है उस सिम को सिलेक्ट कर लेना। सिंपली सिम 1 पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन होगा तो 1 से 2 मिनट लगेगा वेरिफिकेशन होने में। उसके बाद जो भी पेमेंट वगैरह करना चाहेंगे तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइंडिंग बैंक अकाउंट वगैरह आ रहा है तो वेरिफिकेशन होने में 1 से 2 मिनट लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए यू आर ऑल सेट और यहाँ पर आपको नीचे डन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो देखेंगे यहाँ पर यू अर्नेड 10 सुपर कॉइन्स और गोट इट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा यूपीआई वो सेटअप हो चुका है। यूपीआई सेटअप होने के बाद आपके सामने कुछ इतने सारे सेटिंग वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट मेथड है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, जो रुपये का क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ऐड करना चाहते हैं, रुपये का जो क्रेडिट कार्ड है उस पर क्लिक करके आप रुपये का क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको कार्ड के कुछ डिटेल्स वगैरह देने होंगे और वहाँ पर आपका जो कार्ड का डिटेल है वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपसे सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से कार्ड के ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपके सामने जो QR कोड है उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो माई QR कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सिंपली QR कोड को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, UPI ID को कॉपी कर सकते हैं और चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं WhatsApp पे, किसी को डायरेक्ट WhatsApp पे शेयर कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स हैं, मतलब अभी फिलहाल अभी इतने ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है। खैर इसमें अगर आप चाहते तो ब्लॉकेड UPI ID देख सकते हैं, जो भी आपने ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर आपको वो ID वगैरह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे फीचर है। और उसके साथ ही साथ अगर आप अभी इसमें फर्स्ट रिचार्ज या पेमेंट करते हैं तो आपको लगभग 50 रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, मतलब 50 रुपये तक का ऑफ देखने को मिल जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट पे। अगर आप बिल एंड रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे अब रिचार्ज फ्री जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और अगर आप किसी भी मतलब रिचार्ज नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हैं, जैसे कि मेरा नंबर है इस पर देखते हैं, ये नंबर है इस पर, यहाँ पर सी ऑल प्लान पर क्लिक करेंगे। सी ऑल प्लान पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मैं फिलहाल एक डाटा ऐड ऑन कर लेता हूँ, डाटा ऐड ऑन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बेसिक वाला यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिला डाटा ऐड ऑन। तो यहाँ पर हम अगर 25 रुपये वाला क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ पे देखिए अगर 35 रुपये बहुत सारे मतलब प्लान है तो हम यहाँ पे 25 वाला क्लिक करते हैं। तो ये 25 वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ 25 रुपये वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है कि मतलब 24 सुपर कॉइन लगेंगे और 1 रुपये लगेगा। ठीक है, तो हम मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मतलब कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा और पेमेंट वगैरह करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 रुपये का ही पेमेंट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 रुपये का पेमेंट हो रहा है। यहाँ पर 0852 डाल दिया और डन पे क्लिक किया। डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो पेमेंट होगा 1 रुपये का पेमेंट हो चुका है यहाँ पर और 24 सुपर कॉइन जो मेरे पास थे वो मतलब यहाँ से डेबिट हो चुके। और देखेंगे मैसेज भी आ चुका है 1 रुपये का जो पेमेंट हुआ है और मेरा जो रिचार्ज है मतलब
फ्री में हो चुका है। और यहाँ पे जो स्क्रैच कार्ड वगैरह जो देख रहे हैं, 1 रुपये 25 रुपये का रिचार्ज भी हो चुका है। और यहाँ पे स्क्रैच कार्ड देखेंगे, यहाँ पे कुछ स्क्रैच कार्ड हमें मिलेगा, तो उसको हम क्लिक करते हैं और उसको स्क्रैच करते हैं। तो यहाँ पे मतलब हमें कुछ एयरटेल का प्रीपेड सिम वगैरह का जो ऑफर मिला है, इस तरह से हम देख सकते हैं, इसको रिडीम कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं, इसमें आपको फ्री में रिचार्ज करने का भी ऑफर मिल रहा है अभी हाल फिलहाल में। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। सेटअप करना बहुत आसान है, 1 से 2 मिनट में आप सेटअप कर सकते हैं। सिंपली आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और बैंक का जो भी डिटेल है, जिस भी बैंक को आप यूज़ करते हैं, वो बैंक सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करते ही आपका जो है UPI सेटअप हो जाएगा। तो ये फ्लिपकार्ट का UPI है, अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है, नवा नवा बिल्कुल लेटेस्ट में आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप समझते हैं कैसे आप इसमें मतलब फ्री में रिचार्ज कर सकते हैं और कैसे इस UPI को सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।